आज के स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित वैभव जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी, देखा जाए तो भाई भाई फिर खरना और आज निर्जला व्रत, 36 घंटे का जो निर्जला व्रत था वो कैसे शुरू हो गया, आपका क्या कुछ खास महत्व? बीते 2 दिनों से कहीं तपस्या की थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। पूरा दिन आज के दिन की शुरुआत होती है व्रती। आज के दिन तीर्थ में स्नान करते हैं, किसी भी पवित्र कुंड सरोवर या नदी में स्नान करते हैं, उसके पर्यांत उसके बाद पूरे दिन आज निर्जला व्रत होता है और मध्याह्न के बाद से भोग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और संध्याकालीन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आज षष्ठी तिथि है, आज के लिए ही सारी तपस्या होती है और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ इसलिए दिया जाता है कि उनसे ये प्रार्थना होती है कि अगले दिन जब आप उदित हो तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ उदित हो और इस मानव समाज को, इस हमारे जीवन को हर तरीके की शक्तियों से परिपूर्ण करे, उनका कल्याण करे, रोग मुक्त करे, अपने आशीर्वाद से सिंचित करे। जी पंडित, देखा जाए तो छठ पर्व की अगर बात की जाए तो सूर्य की उपासना का ही पूरा पर्व है, लेकिन अगर बात की जाए केवल आज के दिन की तो साफ सफाई का खासतौर पर ध्यान रखना होता है। आप देखिए, जैसा हम लोग विचारों से बात करते आ रहे हैं कि सूर्य से जुड़ा हुआ अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में शुद्धता का बड़ा ही महत्व होता है, न कि शारीरिक शुद्धता और सांसारिक शुद्धता बल्कि मन की शुद्धता का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो इस वजह से और इस पूरे अनुष्ठान के क्रम में पहला दिन जो चतुर्थी का दिन होता है वो सिर्फ शुद्धता को समर्पित होता है, घर की साफ सफाई और व्यक्ति के स्नान और आंतरिक शुद्धता से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्योंकि अग्नि सूर्य देवता जो है वो अग्नि के द्योतक है और अग्नि पवित्रता का कारक होती है, द्योतक होती है, तो उनको समर्पित करते हैं हम। तो सारी चीजें हमें बहुत ही शुद्धता के साथ तैयार करनी पड़ती है। बिल्कुल, शुद्धता का साफ तौर पर ध्यान रखा होता है। व्रत में सूरज को हिंदू धर्म में कैसे पूजा जाता है और सबसे बड़ी बात, उत्तर भारत में सूर्य आराधना का पर्व है छठ। ऐसे में छठ पर्व के मौके पर पूजा करने वालों और व्रत रखने वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि भगवान सूर्य से गुस्से थे और किस तरह से पूजा आराधना कर उनके गुस्से को काबू किया जा सकता है।